और यूक्रेन का मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 10 यूक्रेनी ड्रोन के जरिए मॉस्को पर अटैक थोड़ी देर पहले हुआ है और मॉस्को के अहम ठिकानों को किया गया है टारगेट। तो मॉस्को पर थोड़ी देर पहले हुए बड़े हमले की अब ये तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि खबर है 10 यूक्रेनी ड्रोन के जरिए मॉस्को पर अटैक हुआ है, मॉस्को के अहम ठिकानों को टारगेट किया गया है। पूरे मॉस्को में एयर अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है, सभी एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट कर दिया गया है। तो देर रात के वक्त किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया उसकी तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि खबर आ रही है कि 10 यूक्रेनी ड्रोन के जरिए मॉस्को पर अटैक को अंजाम दिया गया है और ये यूक्रेन का मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला है। मॉस्को के अहम ठिकानों को टारगेट किया गया है, सभी एयर डिफेंस सिस्टम को भी अलर्ट कर दिया गया है। तो मॉस्को के अलग अलग ठिकानों पर हुए टारगेट और 10 यूक्रेनी ड्रोन के जरिए हुए इस अटैक के बारे में इस वक्त की ये लेटेस्ट खबर है, जहां आपको बता दें कि पूरे मॉस्को में एयर अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। अब ये दूसरी तस्वीर, पहले एक वीडियो आपको दिखाया कि किस तरीके से देर रात हमलों को अंजाम दिया गया है, ये दूसरी तस्वीर आपके सामने जहां लगातार बैक टू बैक हुए इन हमलों के बाद एयर अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है पूरे मॉस्को में और यूक्रेनी ड्रोन के जरिए मॉस्को के अलग अलग ठिकानों में जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है। फिलहाल लेटेस्ट खबर इस वक्त आपको बता दे, खबर ये मिल रही है कि थोड़ी देर पहले 10 यूक्रेनी ड्रोन के जरिए मॉस्को पर अटैक हुआ है। मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, ड्रोन अटैक वो भी मॉस्को में, लगातार एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज तक सुनाई दे रही है, क्या खबर इस बारे में? बिल्कुल, देखिए एक के बाद एक ड्रोन मॉस्को की तरफ बढ़े। मॉस्को के अलग अलग इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट थे वो उनके टारगेट पर थे, लेकिन जैसा कि रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उन सभी ड्रोन को रूसी एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए मार, लेकिन अगर आप देखें बीते 3 साल में ये मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला है। इससे पहले एक बार ऐसा हुआ जब क्रेमलिन तक ड्रोन पहुंच गया था, लेकिन इस बार एक साथ 10 ड्रोन के जरिए मॉस्को के अंदर अलग अलग ठिकाने पर टारगेट करने की ये कोशिश की गई थी। सबसे बड़ा अब तक का हमला बताया जा रहा है मॉस्को पर ड्रोन से हमला किया गया। हालांकि ये ड्रोन का ओरिजिन कहां है ये नहीं बताया गया, लेकिन अभी फिलहाल रूसी रक्षा मंत्रालय का यह दावा है कि चूंकि मॉस्को को एयर डिफेंस के जरिए पूरी तरह से अभेद्य किला बना दिया गया था और इसीलिए संभव हो पाया कि जब मॉस्को के एयर स्पेस में ड्रोन पहुंचा तो एक के बाद एक एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए उन्हें मार गिरा। उससे कितना नुकसान हुआ है इसके बारे में अब तक जानकारी नहीं आई है, लेकिन पिछले कुछ घंटे के दरमियान जिस तरीके से मॉस्को को टारगेट करके यह अटैक हुआ यह अपने आप में अप्रत्याशित है। खास करके इसकी टाइमिंग इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी फिलहाल रूस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी जब कुर्स्क में 6 अगस्त से लगातार यूक्रेन की सेना मौजूद है, जब रूस की टेरिटरी में ऑलरेडी से यूक्रेन की सेना मौजूद है और कुर्स्क के एक बड़े इलाके पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। लगातार वहां रूस की सेना अपने जमीन से यूक्रेन की सेना को हटाने के लिए कोशिश कर रही है। उस वक्त में मॉस्को पर 10-10 ड्रोन से, एक दो नहीं बल्कि 10-10 ड्रोन से हमला किया जाना यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसे समय में जब खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कुर्स्क के हमले के बाद चेतावनी देते हुए कहा था कि अब कोई बातचीत नहीं होगी, लेकिन अभी मैं और जानकारी आपसे लूं उससे पहले एक और बड़ी खबर बता दूं, क्योंकि मॉस्को में जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है, खबर आ रही है ब्रियांस में भी अटैक को लेकर, तो मॉस्को के अलावा ब्रियांस में भी अटैक हुआ है और अब जिस तरीके से अलग अलग ठिकानों को टारगेट करते हुए हमलों को अंजाम दिया गया है, मनीष मेरे सहयोगी हमें बता रहे हैं कि अब
रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस पूरे मामले पर मॉस्को के मेयर का बयान भी आ चुका है। और इस बीच इंपॉर्टेंट खबर, इस वक्त की लेटेस्ट खबर यह है कि रूसी एयर डिफेंस ने 18 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा भी किया है। तो यूक्रेन के हमले के बाद एयर डिफेंस एक्टिव जरूर हो चुके हैं, लेकिन अब मॉस्को के मेयर का भी ये बड़ा बयान सामने आ रहा है। और इस वक्त एक और खबर ये बता दे कि मॉस्को के अलावा ब्रियांस्क में भी अटैक हुआ है। तो हमले पर मॉस्को के मेयर का बयान और यूक्रेन का मॉस्को पर ताबड़तोड़ अटैक के बाद ये जो बयान सामने आया है, उसी बारे में ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां ये साफ तौर पर बताया गया कि किस तरीके से मॉस्को पर हमलों को अंजाम दिया गया है। स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हमलों पर मॉस्को के मेयर का ये बयान सामने आया है जो बता रहे हैं कि किस तरीके से इन हमलों को नाकाम कर दिया गया है, कोई भी हताहत नहीं हुआ है। लेकिन ये मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है, सबसे बड़ा ड्रोन अटैक है। क्रेमलिन से सिर्फ 20 मील की दूरी पर हमले को लेकर इस वक्त ये खबर आ रही है। मनीष, इस बारे में और जानकारी आपसे चाहूंगी, क्योंकि बड़े डेवलपमेंट्स हमलों को लेकर हो रहे हैं कि ना सिर्फ हमले को मॉस्को में बल्कि मॉस्को के अलावा ब्रियांस्क में भी अटैक हुआ है। और इंपॉर्टेंट अब ये भी है कि किस तरीके से बैक टू बैक ड्रोन अटैक्स हुए हैं। मनीष, बिल्कुल, देखिए जहां तक ब्रियांस्क का सवाल है, तो चूंकि ब्रियांस्क का जो लोकेशन है वो रूस यूक्रेन सीमा पर मौजूद है, बेलगोरोद, कुर्स्क, ब्रियांस्क, ये सब एक साथ हैं, 100-150 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वहां पर लगातार हमले होते रहे हैं बीते 3 साल के दरमियान। जो यूक्रेन की तरफ से टारगेट होता रहा है वो बेलगोरोद, कुर्स्क, ब्रियांस्क और फिर क्रीमिया का इलाका। लेकिन ब्रियांस्क के हमले से अलग मॉस्को पर जिस तरीके से 10 ड्रोन अब तक आ चुके हैं, और ड्रोन के आने का सिलसिला लगातार जारी है। पहले एक ड्रोन आया, फिर दूसरा ड्रोन आया, और इस तरीके से 10-10 ड्रोन आ गए। कुछ क्रेमलिन की सीमा के पास आए, मॉस्को की शहर के अलग अलग इलाके में उनको इंटरसेप्ट किया गया और फिर रूसी एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया गया। यह अलग बात है कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम इसमें कामयाब हुए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो मॉस्को तक पहुंचने में कामयाब हुए थे, वो मॉस्को तक पहुंच गए थे। अगर वो यूक्रेन से या फिर कुर्स से या बेलगोरोद के सीमा से फ्लाई करते हुए मॉस्को तक पहुंच जाते हैं, वो क्रेमलिन के नजदीक तक पहुंच जाते हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि जब क्रेमलिन पर भी एक बार यूक्रेनियन ड्रोन का अटैक हुआ था, लेकिन इसके बाद से जो जितनी बड़ी संख्या में, क्योंकि देखिए 10 ड्रोन का मॉस्को के करीब पहुंच जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो इसलिए बड़ी बात है क्योंकि इस वक्त रूस कुर्स्क में लड़ाई लड़ रहा है, अपनी टेरिटरी से यूक्रेनियन सेना को खदेड़ने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त क्रेमलिन पर दबाव है, इस समय पुतिन पर बेहद दबाव है, उस समय रूसी सेना का मनोबल एक तरह से डाउन है। इस समय रूसी जनता को यह लगता है कि पहली बार दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ है जब विदेशी सेना उनकी सरजमीन पर पहुंची है, और ऐसे वक्त में जब मॉस्को पर ड्रोन से हमला होता है, तो आप समझ सकते हैं कि रूस में किस हद तक इससे पैनिक है। यह अलग बात है कि जैसा रूसी एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सभी ड्रोन, जो 10 ड्रोन आए थे मॉस्को में, उन सबको मार गिराया गया। इसके अलावा जो दूसरे बाहरी इलाके में ड्रोन थे वो तो है ही, लेकिन इसके बावजूद प्रेसिडेंट पुतिन पर और रूस की सरकार पर इस बात को लेकर दबाव होगा कि ऐसी स्थिति में अब क्या एक्शन हो, क्योंकि अभी तक रूस की सरकार का कहना यह था कि जब कुर्स्क में यूक्रेन की सेना आई और वो 2 हफ्ते से मौजूद है, और मैं लगातार कुर्स्क में मौजूद रूसी सेना के अधिकारियों से पूछ रहा हूं, तो उनका कहना है कि यूक्रेनी सेना के जितनी संख्या में जमी हुई है उनको हटाने में 2 से 3 महीने लगेंगे। तो अभी ऑलरेडी सीमा पर इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। मॉस्को में हमले का नया वीडियो आपको दिखाते हैं। अभी तक का यह सबसे बड़ा हमला है जो कि मॉस्को पर किया गया। जोरदार धमाके से मॉस्को कैसे दहला है, ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं। मॉस्को के अलावा ब्रियांस्क में भी ड्रोन हमला हुआ, ये देखिए आप, ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। मॉस्को में एक साथ 10 ड्रोन के जरिए यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया, उसके बाद जो धमाका हुआ उसे सुनिए और देखिए आप। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, यूक्रेन का अभी तक का सबसे बड़ा हमला ये बताया जा रहा है ड्रोन के जरिए जो रूस के खिलाफ किया गया है। मॉस्को पर ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया गया और अभी तक का ये सबसे बड़ा हमला। एक और बड़ी खबर, रूस सरकार का इस हमले के बाद बड़ा बयान सामने आया, क्या है वो बयान, वो आप देखे। सूमी से लोगों को निकालने की लगातार कोशिशें की जा रही है, ये रूसी सरकार की तरफ से बड़ा बयान है। जो हालात
इसके बाद हो गए 45,000 लोगों को निकालने की कोशिश की गई, क्योंकि ना सिर्फ मॉस्को बल्कि इसके अलावा कई और जगहों पर भी यूक्रेन की तरफ से हमलों का अंजाम दिया गया। रूस सरकार का एक बड़ा बयान, ड्रोन हमलों के बाद, इस हमले के बाद सुमिसो निकालने की लगातार लोगों की कोशिश है। इसके साथ साथ ब्रयास में भी हमलों का अंजाम दिया गया, 45,000 लोगों को निकालने की लगातार कोशिशें की जा रही। जरा आप समझिए और देखें इस वक्त हुआ क्या है, क्यों आखिरकार इस वक्त बेहद ही भयावह हालात बन गए। तीन बड़ी खबर, हमला हुआ है मॉस्को पर, एक साथ ड्रोन के साथ हमला किया गया। हमले पर मॉस्को के मेयर का कंफर्मेशन भी सामने आ गया, बयान आ गया है यूक्रेन से ड्रोन के जरिए। अभी तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। 45,000 लोगों को निकालने की कोशिश इस वक्त की जा रही है सुमी इलाके से। ये इस वक्त हालात, ये इस वक्त विध्वंसक और विस्फोटक हालात बने हुए हैं। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, ये साफ समझ में आ रहा है कि हालात बहुत ही विस्फोटक हो गए। बिल्कुल करुणा, देखिए दो तीन लोकेशन का आपने जिक्र किया, तीनों चारों लोकेशन के बारे में बताऊं। सुमी यूक्रेन की टेरिटरी है जहां पर रूस की तरफ से अटैक किया जा रहा है और रूस वहां पर काफी हमलावर है, जिसकी वजह से सुमी से बहुत सारे लोगों को यूक्रेन की सेना हटा रही है, उन्हें सुरक्षित जगह पर लेकर जा रही है। ब्रयांस्क रूस की टेरिटरी है लेकिन वो रूस यूक्रेन सीमा पर मौजूद है, वो बेलगोरोद के पास मौजूद है जहां पर अक्सर यूक्रेन की तरफ से ड्रोन के हमले होते हैं, वहां पर ऑयल डिपो और दूसरे इलाकों को टारगेट किया जाता है। तो वहां पर सिचुएशन बनी हुई है। कुर्स्क के बारे में हम देख रहे हैं कि किस तरह से दो हफ्ते से यूक्रेन की सेना रूस के उस टेरिटरी के अंदर घुस चुकी है और रूस की सेना यूक्रेन की सेना को पीछे हटाने में मजबूर है। लेकिन इन सब से अलग जो सबसे बड़ी बात है कि रूस की राजधानी मॉस्को, जिसके बारे में यह दावा किया जाता था कि वह दुनिया का सबसे सुरक्षित जगह है, वहां पर जिस तरीके से यूक्रेन के 10 ड्रोन पहुंचने में कामयाब हुए हैं, ये तो आप कहिए कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर थी, वहां बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय किया गया है, इसीलिए यह दावा किया जा रहा है कि 10 के 10 एयर ड्रोन को मार गिराया गया। लेकिन क्रेमलिन तक 10 ड्रोन का पहुंच जाना रूस के लिए बहुत बड़ा दबाव बनाएगा। लोकेशंस कितनी क्रूशियल है, कहां कहां पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, ये आपने बताया और उसी के तहत इस वक्त की बड़ी खबर पर लेटेस्ट अपडेट, क्योंकि मॉस्को के अलावा तीन दूसरी जगहों पर भी हमले को लेकर खबर है। रोस्तोव, ब्रयांस्क, बेलगोरोद में हमले, आपको बता दें सभी जगह ड्रोन से हमले किए गए हैं और कैमिकाज़ी ड्रोन से रूस के शहरों को जिस तरीके से निशाना बनाया गया है, इसी बारे में हमारे सहयोगी मनीष झा हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से ये मॉस्को पर बड़ा अटैक है और मॉस्को के अलग अलग ठिकानों पर जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है, उसमें आपको बता दें तीन अलग और जगहों को लेकर खबर आ रही है, रोस्तोव, ब्रयांस्क, बेलगोरोद, जहां पर हमलों को अंजाम दिया गया। और देखिए इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, रूस की राजधानी मॉस्को के अलावा तीन दूसरी जगहों पर भी हमला हुआ है। कहां कहां पर? रोस्तोव, ब्रयांस्क, बेलगोरोद में हमलों को अंजाम दिया गया। जैसा सुरभि आपको बता भी रही थी, अभी सभी जगह ड्रोन से इन हमलों को अंजाम दिया गया और उसके बाद जो हालात हुए वो आप देखिए, किस तरह से बड़ा विस्फोट, बड़ा धमाका जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है, जो डिफेंस सिस्टम उसको एक्टिव किया गया रूस की तरफ से और उसके बाद डिफेंस सिस्टम एक्टिव होने के बाद इन ड्रोन में बड़े धमाके हुए हैं। तो इस वक्त ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बेलगोरोद, रोस्तोव और ब्रयांस्क में भी एक साथ ड्रोन के जरिए हमला किया गया है। यानी मॉस्को, बेलगोरोद, ये सभी जो इलाके हैं वो एक साथ कैसे टारगेट पर आए, ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक दे रही है सुरभि, बिल्कुल, लेकिन करुणा ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और उस लिहाज से सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि यूक्रेन तो ये दावा करता है कि 1250 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा रशिया के कुर्स्क रीजन में वो कब्जा कर चुका है। जिस तरीके से इस वक्त अलग अलग जगहों पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, ये साफ हो गया है कि यूक्रेन ने अब बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर अपना धावा बोल दिया है। मनीष, बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन काफी हमलावर दिख रहा है। पिछले दिनों यूक्रेन की जो कामयाबी मिली है वो एक अप्रत्याशित कामयाबी है और मुझे लगता है कि उसने एक सरप्राइज काफी बड़ा सा दिया है रूस की सेना को, रूस की सरकार को, जब उन्होंने कुर्स्क में हमला किया। कुर्स्क में जिस तरह से उसकी सेना घुसी और वो छोटी मात्रा में नहीं बल्कि करीब 10,000 के करीब यूक्रेनियन सेना कुर्स्क में पहुंचे हैं, हालांकि रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसमें बहुत सारे विदेशी लड़ाके भी शामिल है, बल्कि हम लोगों ने ये दिखाया भी था कि वहां पर कैसे अमेरिकी प्राइवेट मिलिट्री के लोग भी पहुंचे हुए हैं कुर्स्क में। लेकिन इन सबसे अलग यूक्रेन यही नहीं रुक रहा है, यूक्रेन ने बेलगोरोद में, यूक्रेन ने रोस्तोव में, यूक्रेन ने ब्रयांस्क में भी अपने हमले जारी किए हैं। लेकिन केवल वॉर जोन में, केवल जो सीमा रेखा है उसके अलावा
अगर वो वहां से करीब 1200 किलोमीटर दूर मॉस्को तक पहुंचने में कामयाब हो रहा है तो ये उसकी एक बड़ी कामयाबी है, जब वो लगातार 10 ड्रोन से मॉस्को पर अटैक करता है। और अगर देखा जाए तो जिस तरीके से यूक्रेन ने आज रूस के तमाम शहरों पर ड्रोन से अटैक किए, जिस तरह से रूस की राजधानी मॉस्को तक वो पहुंचने में कामयाब होने की कोशिश की उन्होंने, ऐसी स्थिति में क्रेमलिन पर एक बड़ा दबाव होगा एक बड़े एक्शन के लिए, और ऐसी जगह पर जहां पर रशियन ट्रूप्स ऑलरेडी मौजूद हैं, और ऐसे में यूक्रेन अगर इस वक्त काउंटर ऑफेंसिव करते हुए ज्यादातर इलाके को रीगेन करने की कोशिश कर रहा है, उसके तहत इस वक्त हमलों को अंजाम दिया गया। नजर बनाए रखे मनीष, आगे आपसे अपडेट लेंगे, शुक्रिया। इस वक्त लगातार हम आपको दिखा रहे, लेकिन पहले खबर, 10 ड्रोन के जरिए यूक्रेन का यह भीषण हमला हुआ है। क्रेमलिन के दक्षिण में इस हमले को अंजाम दिया गया, मॉस्को के पास पोडालस्क में अटैक किया गया। रूस ने कुछ ड्रोन को तबाह करने का दावा किया है। मॉस्को के मेयर सरगेई सोबयानिन ने बाकायदा इस खबर को कंफर्म भी किया, और यह तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस हमले के बाद जो धमाका हुआ, यह बहुत बड़ा हमला अभी तक का अगर ड्रोन के जरिए बताया जाए, दहला कर रख दिया है, तो कैसे एक बार फिर से मॉस्को दहला है। यूक्रेन ने ड्रोन से इस हमले को अंजाम दिया, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम को तुरंत एक्टिव किया गया और इसका जवाब दिया गया है यूक्रेन को। मॉस्को के अलावा ब्रियांस्क, रोस्तोव, बेलगोरोड में भी हमलों को अंजाम दिया गया, एक साथ कई टेरिटरीज को निशाने पर लिया गया। सुरभी, बिल्कुल, और जिस तरीके से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें यूक्रेन के हमले के बाद एयर डिफेंस को तो एक्टिव कर दिया गया है, यहां तक कि ज्यादातर ड्रोन अटैक्स को नाकाम करने का भी दावा किया जा रहा है, और रूसी एयर डिफेंस ने 18 ड्रोन्स को मार गिराया है। तो अब अलग अलग जगहों पर ठिकानों के तहत जिस तरीके से ड्रोन हमलों को अंजाम दिया गया है, एयर डिफेंस एक्टिव है और 18 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है मॉस्को पर लगातार 10 ड्रोन अटैक, मॉस्को पर ही अब तक का सबसे बड़ा हमला है, क्योंकि मॉस्को के अहम ठिकानों को सीधे टारगेट किया गया है। स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने की बात मेयर की तरफ से कही जा रही है। और क्रेमलिन से सिर्फ 20 मील की दूरी पर अटैक को लेकर भी खबर बड़ी है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट लोकेशन जिसके बारे में मैं अपने सहयोगियों से बात कर रही थी, क्योंकि अलग अलग ऐसी लोकेशंस पर टारगेट किया गया है जिसके तहत इस पूरे इलाके में अपनी ट्रूप्स के साथ यूक्रेन मौजूदगी का बड़ा सबूत दे रहा है। हालांकि इसी संघर्ष के बीच जिस तरीके से अब मॉस्को पर हमले को अंजाम दिया गया है, रूसी सरकार का भी करुणा बड़ा बयान सामने आ चुका है। ये बयान क्या निकल कर सामने आया, जरा देख लीजिए, सूमी के लोगों को लगातार इवैक्यूएट किया जा रहा है। रूस सरकार का ये बड़ा बयान, जिस तरह से अभी हमारे सहयोगी मनीष झा ने बताया कि लगातार सूमी जहां पर रूस की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं, अब वहां से लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। हालात बहुत ज्यादा खराब हो गया, अचानक से बहुत ज्यादा विस्फोटक स्थिति बन गई। बेलग्रोव, रोस्तोव में भी इस वक्त बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। मिसाइल से भी यूक्रेन हमला कर रहा है, ये भी इस वक्त की अपडेट आ रही है। ना सिर्फ ड्रोन बल्कि मिसाइल के जरिए भी हमलों को अंजाम दिया गया। मॉस्को और आसपास के इलाकों में ड्रोन के जरिए अटैक किया गया, कामकाजी ड्रोन से यूक्रेन की तरफ से हमलों का हमला बोला गया, और मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया। अब ये खबर अपडेट हो रही है, रूसी डिफेंस सिस्टम ने इन सभी मिसाइल और हमलों को नाकाम किया है, ये इस वक्त की जानकारी मिल रही है। यानी एक साथ कई फ्रंट्स पर हमला बोला गया है यूक्रेन की तरफ से, और ना सिर्फ ये कि ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, बल्कि अब ये भी कंफर्म हो रहा है जो इनपुट्स मिल रहे हैं कि मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया। और जैसा इससे पहले हमने आपको बताया भी था कि कुर्स पर पहले ही यूक्रेन ने 90% से ज्यादा इलाके पर रूस पर कब्जा कर लिया, रूस के कुर्स पर। तो हमलों को जिस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, दो तस्वीरें एक साथ अब आपके सामने होंगी, और ये तस्वीर आपके सामने 3 मई की हम रख रहे हैं, जहां आप देखिए क्रेमलिन पर यूक्रेन का ये अटैक हुआ था, और साथ ही मॉस्को पर यूक्रेन के हमले की आज की तस्वीर 21 अगस्त 2024 और 3 मई 2023 की वो तस्वीर, जब हमने देखा कि किस तरीके से सीधे मॉस्को को टारगेट किया गया। ये तस्वीरें इंफॉर्मेशन वॉल पर भी आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि इस युद्ध के संघर्ष के बीच ये तस्वीर सबसे महत्वपूर्ण थी, जब देखा कि किस तरीके से यूक्रेन ने सीधे मॉस्को को टारगेट किया।